नमस्कार, इंस्पायरिंग बरकत चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। हमारा आज का प्रसंग महाकवि कालिदास जी के बारे में है। आपने महाकवि कालिदास का नाम तो जरूर सुना होगा। महाकवि कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। एक पुरानी चलित कथा के अनुसार प्रसिद्ध महाकवि दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन प्रारंभिक जीवन में वे अनपढ़ और महामूर्ख थे। फिर उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि वह एक महान कवि तथा नाटककार बन गए। महाकवि कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं, बल्कि वह संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। आइए जानते हैं भारत के महान कवि कालिदास के जीवन की संघर्षपूर्ण कथा के बारे में। कालिदास के माता पिता उन्हें 5 वर्ष की आयु में ही छोड़कर चल बसे थे। उनका लालन पालन किसी दयालु अगवाले ने किया जो कि खुद भी अनपढ़ था। कालिदास पशुओं की देखभाल में उनका हाथ बटाते थे तथा पशु चराने के बाद जो समय उन्हें मिलता था उस समय वो गांव के काली माँ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया करते थे, इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। कालिदास नाम का शाब्दिक अर्थ है काली का सेवक। उनके संबंध में कहा जाता है कि माँ काली के आशीर्वाद से ही वो परम विद्वान बने। वाराणसी के नरेश की एक पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्मा था। राजकुमारी विद्योत्मा बहुत बुद्धिमान, रूपवती और गुणवान थी। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे चिंता है कि हमारी राजकुमारी विद्योत्तमा के लिए उसके जैसा ही रूपवान और गुणवान वर कहाँ मिलेगा। उनकी पत्नी ने कहा कि भरूचि विद्वान है, वो सब प्रकार से हमारी पुत्री के लिए ठीक है। राजकुमारी विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था, इसलिए विद्योत्तमा को मनाना आसान नहीं था। राजकुमारी विद्योत्तमा का ये प्रण था कि वो उसी युवक से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। उसने अपने माता पिता से कहा कि जो पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। महाराज ने ये घोषणा पूरे राज्य में करवा दी कि जो कोई भी राजकुमारी विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में हराएगा राजकुमारी विद्योत्तमा उसी से विवाह करेंगी। राजकुमारी विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान आए और राजकुमारी से शास्त्रार्थ में हार गए। उन विद्वानों के मन में ग्लानी उत्पन्न हो गई। इसके बाद महाराज और महारानी की ओर से विद्वान बरुचि को इस बारे में बताया गया। विद्वान बरुचि ने जब ये सुना तो उसने राजकुमारी विद्योत्तमा की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। विद्योत्तमा भरूचि की चुनौती सुनकर घबरा गई, क्योंकि उसे भरूचि बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह उससे विवाह भी नहीं करना चाहती थी। शास्त्रार्थ के दिन विद्योत्तमा ने ये शर्त रखी कि शास्त्रार्थ मूक भाषा में होगा। राजकुमारी विद्योत्तमा ने कहा कि मैं आपसे संकेतों के द्वारा अपने प्रश्न करूंगी और आप भी संकेतों के द्वारा ही उत्तर देंगे। विद्वान भरूचि ने राजकुमारी विद्योत्तमा की यह शर्त भी स्वीकार कर ली। उसके बाद दरबार में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तब अपने पहले प्रश्न के लिए राजकुमारी विद्योत्तमा ने अपनी एक उंगली ऊपर उठाई, परंतु उसका जे संकेत देखकर भरूचि को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने राजकुमारी विद्योत्तमा से अपनी हार मान ली। ये देखकर राजकुमारी विद्योत्तमा खुश हो गई और उसने भरूचि को धन्यवाद कहा। भरूचि को अपना यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने मन ही मन राजकुमारी विद्योत्तमा से बदला लेने का संकल्प लिया। घर जाते भरूचि को रास्ते में मंद बुद्धि कालिदास दिखाई दिए, जो पेड़ की उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वह स्वयं बैठे थे। भरूचि ने कालिदास से कहा, अरे मंद बुद्धि आदमी, तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसे तो तुम पेड़ से नीचे गिर जाओगे। उसकी बात सुनकर कालिदास ने उससे कहा कि
तुम्हें इससे क्या? तुम अपना काम करो। उसके बाद कालिदास की यह बात सुनकर भरूचि अपने रास्ते चला गया। अभी वह वहाँ से कुछ ही दूर गया था कि इतने में कालिदास पेड़ की डाल के साथ नीचे गिर पड़े। उसके बाद उन्होंने भरूचि को बुलाकर पूछा कि ये तुमने कैसे जाना कि मैं पेड़ से नीचे गिर जाऊंगा? कालिदास की बात सुनकर रुचि ने उससे कहा कि इसमें जानने की क्या बात है? जो भी मैंने देखा वो तुम्हें बता दिया कि आगे क्या होने वाला है? उसके बाद कालिदास ने कहा, पर मैं तो इस बात को नहीं समझा कि मैं गिरने वाला हूँ। फिर कालिदास उससे कहने लगा, मुझे तो तुम ज्योतिषी लगते हो, क्योंकि तुमने तो मुझे पहले ही बता दिया कि मैं पेड़ से नीचे गिर जाऊंगा। कालिदास ने भरूचि के पैर पकड़ लिए और उससे कहने लगा कि मुझ पर दया करो और मुझे तुम ये बताओ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। भरूचि ने मन ही मन सोचा कि राजकुमारी विद्युत्मा से बदला लेने के लिए यह मंद बुद्धि कालिदास बिल्कुल ठीक है। उसने कालिदास से कहा कि तुम्हारे भाग्य में एक राजकुमारी से विवाह होना लिखा है। उसके बाद गुरुजी कालिदास को अपने साथ अपने घर ले गया और घर जाकर उसे विद्वानों जैसे कपड़े पहनाए। फिर वह कालिदास को लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जाते हुए भरूचि ने कालिदास से कहा कि ध्यान रखना कि महाराज को देखते ही तुम उन पर पुष्प वर्षा करना और ओम स्वस्ति कहकर आशीर्वाद देना। दोनों राजा के महल में राजा के पास पहुंचते हैं, तब कालिदास राजा पर पुष्प वर्षा करते हैं और ओम स्वस्ति के बजाय जुष्ट का उच्चारण करते हैं। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह क्या कह रहे हैं। तब भरूचि स्थिति को संभालते हुए कहता है, महाराज ये बहुत विद्वान ब्राह्मण है, इन्होंने आपको एक विशेष आशीर्वाद दिया है। भरूचि आगे कहता है, महाराज यह विद्वान ब्राह्मण कालिदास है, यह आपकी पुत्री राजकुमारी विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। महाराज ने कालिदास को एक विद्वान ब्राह्मण समझकर अपनी पुत्री के साथ शास्त्रार्थ करने की आज्ञा दे दी। भरूचि ने कालिदास से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना मुंह मत खोलना, तुम सभी प्रश्नों के उत्तर संकेतों में ही देना, नहीं तो राजकुमारी विद्योत्मा के साथ विवाह का अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। पंडितों और विद्वानों को भी बुलाया गया जो उनके संकेतों का अर्थ सभी लोगों को समझा सके। राज दरबार में मौन शास्त्रार्थ शुरू हुआ और पहले की तरह ही राजकुमारी विद्योगमा ने अपनी एक उंगली ऊपर उठाई, जिसका अर्थ था कि परमात्मा ही सत्य है, परंतु कालिदास ने समझा कि वो उनकी एक आंख फोड़ना चाहती है। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी दो उंगली खड़ी कर दी, जिसमें वो ये समझाना चाहते थे कि यदि उन्होंने उसकी एक आंख फोड़ी तो वो उनकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। पंडितों ने कालिदास की ओर से राजकुमारी विद्योत्मा को समझाया कि आपने ठीक कहा है कि ईश्वर एक है, परंतु आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य हैं। राजकुमारी विद्योगमा इस उत्तर से प्रभावित हुई। विद्युत्मा भी कालिदास की दो उंगलियां देखकर यही समझी थी कि सृष्टि में आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य हैं, इसलिए वह दो उंगलियां देखकर संतुष्ट हो गई। फिर राजकुमारी विद्युत्मा ने अपनी हथेली उठाई, अर्थात पांच उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है। आप जिस प्रकृति, जगत, जीव या माया के रूप में द्वैतवाद को स्थापित कर रहे हैं, उसकी रचना पंच तत्व से होती है। ये पंच तत्व हैं पृथ्वी, पानी, पवन, अग्नि और आकाश। ये सभी तत्व भिन्न और अलग है, इनसे सृष्टि कैसे हो सकती है? राजकुमारी विद्योत्तमा की पांच उंगलियां देखकर कालिदास ये समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो
तो उन्होंने भी अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारूंगी तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। कालिदास के द्वारा उत्तर में दिए गए संकेत को देखकर विद्वानों ने राजकुमारी विद्योत्मा को बताया कि इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक तत्व अलग अलग हैं, तब तक इनसे कोई विशेष कार्य सिद्ध हो पाना असंभव है। 5 तत्वों के एक रूप होने में ही संसार में इनकी अभिव्यक्ति संभव है। सृष्टि तो एक मुट्ठी की तरह है, मुट्ठी में सभी मिल जाते हैं तो ये सृष्टि हो जाती है। ये सुनकर सभा मंडप के दर्शकों की ओर से फिर से तालियां बजने लगी। राजकुमारी विद्योत्मा को अपनी हार माननी पड़ी और उसने कालिदास से विवाह कर लिया। राजकुमारी विद्योत्मा और कालिदास अपने कक्ष में बैठे थे, तभी राजकुमारी ने बाहर से किसी तीव्र शब्द को सुना। कालिदास से पूछा, केवती? राजकुमारी विद्योत्मा की बात सुनकर कालिदास ने उत्तर दिया, उटवती। विद्योत्मा ने उस शब्द के स्थान पर उतर सुनकर कालिदास से पूछा, क्या तुम्हें संस्कृत नहीं आती? उसकी बात सुनकर कालिदास ने कहा कि नहीं, मैं तो एक अनपढ़ ग्वार ग्वाला हूँ, मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ा। राजकुमारी विद्योत्मा ने जब ये सुना तो उसे आभास हुआ कि शल पूर्वक उसका विवाह एक मंद बुद्धि से करवाया गया है। राजकुमारी ने कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया। विद्योत्मा कालिदास से कहती है कि जब तक तुम एक सच्चे विद्वान पंडित नहीं बन जाते, तब तक वापस घर नहीं आना। कालिदास ने राजकुमारी विद्योत्मा को बहुत समझाया कि प्रिय, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, परंतु राजकुमारी विद्योत्मा को एक मंदबुद्धि को अपने पति के रूप में स्वीकार करना पसंद नहीं था। उसने कालिदास से कहा कि तुम जहाँ से चले जाओ, मेरा पति तो कोई विद्वान ब्राह्मण ही हो सकता है, तुम तो एक मंदबुद्धि ग्वाले हो। कालिदास मंदबुद्धि तो थे पर लज्जाहीन नहीं थे, वे अपने आत्म सम्मान पर पड़ी इस चोट को सहन नहीं कर सके और वह वहाँ से चुपचाप चले गए। राजकुमारी से अपमानित होकर कालिदास ज्ञान प्राप्त करने के लिए संकल्प लेते हैं और माँ काली के मंदिर में चले जाते हैं। कालिदास माँ काली के परम भक्त थे, इसलिए वह माँ काली के समक्ष ध्यान लगाकर बैठ गए और वहाँ पर वह कठोर तप करने लगे। कालिदास ने धीरे धीरे अन्न और जल का भी त्याग कर दिया, परंतु फिर भी माँ काली उनकी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुई। उसके बाद कालिदास अपना सिर माँ काली के चरणों में समर्पित करने के लिए तलवार उठाई, परंतु माँ काली प्रकट होकर कालिदास को ऐसा करने से रोक लेती हैं। कालिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली ने उन्हें विद्वान पंडित बनने का आशीर्वाद दिया। जब कालिदास के ज्ञान चक्षु खुले तो उन्होंने अनेक स्थानों का भ्रमण किया तथा वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन करके विद्वत्ता प्राप्त की। उसके बाद कालिदास ने विचार किया कि अब घर जाना चाहिए। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर कालिदास ने आवाज दी, सुंदरी राजकुमारी विद्योत्तमा। कालिदास से कहती हैं कि इसमें आभार प्रकट करने की क्या आवश्यकता है, मैं आपकी पत्नी हूँ। कालिदास विद्योत्मा से कहते हैं, तुम मेरी पत्नी थी किंतु तुम्हारी वजह से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए अब तुम मेरी गुरु हो। राजकुमारी विद्योत्तमा कालिदास की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुई। वह उन्हें समझाने का बहुत प्रयास करती है, पर कालिदास उन्हें किसी भी तरह से अपनी पत्नी मानने को तैयार नहीं होते। अंत में राजकुमारी विद्योत्तमा कालिदास को श्राप दे देती है कि तुम्हारी मृत्यु एक नारी के हाथों होगी। कालिदास अपनी पत्नी को छोड़कर जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। वो जंगल में ही भ्रमण करने लगते हैं। एक दिन कालिदास घूमते घूमते महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गए
महाराजा विक्रमादित्य कला तथा साहित्य के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने कालिदास से एक कविता सुनाने को कहा। जब कालिदास ने उन्हें अपनी कविता सुनाई तो राजा विक्रमादित्य उनकी कविता सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और वह उन्हें अपने दरबार में ही रहने के लिए कहते हैं। कालिदास राजा विक्रमादित्य की यह बात मान लेते हैं। इसी दौरान उनके जीवन की एक बहुत ही रोचक घटना बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के कंठ में साक्षात महासरस्वती का वास था। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर कालिदास को अपनी विद्वत्ता का घमंड हो गया। एक बार पड़ोसी राज्य में शास्त्रार्थ का निमंत्रण पाकर कालिदास सम्राट विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुए। गर्मी का मौसम था, काफी तेज धूप थी और कालिदास को प्यास लग गई। थोड़ी तलाश करने पर उन्हें एक टूटी दिखाई दी। झोपड़ी के सामने एक कुआं भी था। उसी समय उस झोपड़ी में से एक छोटी बच्ची मटका लेकर बाहर निकली। उस बच्ची ने कुएं से पानी भरा और वहां से जाने लगी। कालिदास उसके पास जाकर बोले, बालिके बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। बच्ची ने पूछा, मैं आपको जानती नहीं, पहले अपना परिचय दीजिए। कालिदास को लगा, मुझे कौन नहीं जानता, भला परिचय देने की क्या आवश्यकता है। फिर भी प्यास से बेहाल थे तो बोले, बालिके तुम अभी छोटी हो इसलिए मुझे नहीं जानती, घर में कोई बड़ा हो तो उसको भेजो, वो मुझे देखते ही पहचान लेगा। मेरा बहुत दूर दूर तक नाम और सम्मान है, मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ। कालिदास के घमंड भरे वचनों से अप्रभावित बालिका बोली, संसार में सिर्फ दो ही बलवान है और उन दोनों को तो मैं जानती हूँ। अपनी प्यास बुझानी है तो उन दोनों के नाम बताएं। थोड़ा सोचकर कालिदास बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो। बालिका बोली, वे दो बलवान हैं, अन्न और जल। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि वो बड़े से बड़े बलवान को भी झुका देती है। देखिए प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। कालिदास चकित रह गए। बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर खड़े थे। बालिका ने पुनः पूछा, सत्य बताए, कौन है आप। कालिदास थोड़े नर्म होकर बोले, मैं बटोही हूँ। मुस्कुराते हुए बच्ची बोली, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं, संसार में दो ही बटोही हैं, बताइए वे दोनों कौन हैं। तेज प्यास ने पहले ही कालिदास की बुद्धि कक्षीण कर दी थी, पर लाचार होकर उन्होंने फिर से अनभिज्ञता व्यक्त कर दी। बच्ची बोली, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाला बटोही कहलाता है। बटोही दो हैं, चंद्रमा और सूर्य, आप तो थक गए हैं, भूख और प्यास से बेदम है, आप बटोही कैसे हो सकते हैं। इतना कहकर बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया और झोपड़ी के भीतर चली गई। अब तो कालिदास और भी दुखी हो गए, इतना अपमानित वह जीवन में कभी नहीं हुए। प्यास से शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने पास से झोपड़ी की तरफ देखा, तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। उसके हाथ में खाली मटका था, वह कुएं से पानी भरने लगी। अब तक काफी बिनम हो चुके कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। वह स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो तो मैं तुम्हें अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया आप मुझे पानी पिला दें। वह स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो, संसार में दो ही मेहमान हैं, धन और यौवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ कौन हो तुम। अब तक के सारे तर्कों से पराजित हताश कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब पानी पिला दें। उस स्त्री ने कहा, नहीं नहीं, सहनशील तो संसार में दो ही हैं, धरती और पेड़।
कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए, तर्क वितर्क से झिलाकर बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य, हठी तो संसार में दो ही हैं, नाखून और केश। कितना भी काटो, बार बार निकल आते हैं, पूरी तरह पराजित हो चुके। कालिदास ने कहा, मैं मूर्ख हूँ। उस स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो, मूर्ख दो ही हैं, पहले राजा जो बिना योग्यता के भी सब प्रशासन करता है, और दूसरा दरबारी जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कालिदास उस वृद्ध स्त्री के चरणों में गिर पड़े और पानी की जांचना में गिड़गिड़ाने लगे। उस वृद्ध स्त्री ने बोला, उठो वत्स। कालिदास ने यह आवाज सुनकर ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास उन्हें नतमस्तक हो गए। सरस्वती माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तुमने मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए स्वांग करना पड़ा। इस प्रकार कालिदास को अपनी नश्वर विद्वता का भान हो गया। एक दिन कालिदास की इच्छा हुई कि वह दरबारी जीवन पर एक नाटक की रचना करे। कालिदास नाटक की रचना करने लगते हैं, जिसमें मालविका मित्रम उनका पहला नाटक था। इसकी प्रस्तावना में उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उन्हें नाटककार के रूप में ख्याति प्राप्त हो। कालिदास का पहला नाटक मालविका मित्रम बहुत लोकप्रिय हुआ तथा उनके दूसरे नाटक शकुंतलम ने भी बहुत अधिक सफलता प्राप्त की। इससे नाटककार के रूप में कालिदास की ख्याति में चार चांद लग गए। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने कालिदास से कहा, तुम इतनी सारी कविताओं की रचना करते हो, परंतु मेरी प्रशंसा में कोई कविता लिखने पर इनकार क्यों कर देते हो? कालिदास ने कहा, महाराज, निसंदेह आप एक महान राजा हैं, परंतु किसी नाशवान प्राणी की प्रशंसा करना कविता का लक्ष्य नहीं है। राजा विक्रमादित्य कालिदास की यह बात सुनकर नाराज हो गए और उससे कहने लगे कि तुम मेरे दरबार में रहते हो, फिर भी अन्य कवियों की तरह मेरा गुणगान नहीं करते। कालिदास राजा विक्रमादित्य के इस व्यवहार से दुखी होकर राज दरबार को छोड़कर चले गए और वह किसी अन्य गांव में जाकर बस गए। उनके जाने के बाद कुछ समय के पश्चात राजा विक्रमादित्य को बहुत पछतावा हुआ और उन्हें कालिदास की याद आने लगी। राजा विक्रमादित्य कालिदास की खोज भी शुरू करवाते हैं, किंतु कालिदास उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। एक दिन राजा विक्रमादित्य को कालिदास की खोज करने के लिए एक उपाय दिखाई दिया। राजा विक्रमादित्य अपने राज दरबार में जाकर ये घोषणा कर देते हैं कि जो भी व्यक्ति उन्हें सबसे नवीन कविता सुनाएगा, उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। उसके बाद राजा विक्रमादित्य दरबार के सभी पंडितों की सभा बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक कालिदास नहीं आ जाते, तब तक आप सभी कविताओं को पुरानी बताते जाना। कविता सुनाने के लिए राज दरबार में प्रतिदिन अनेकों कवि आते हैं, परंतु राजदरबार में सभी पंडित उनकी कविता को पुराना बता देते। जब ये बात कालिदास के कानों में पड़ी तो वह राजा के मन की बात जान लेते हैं। कवियों को वापस निराश होकर लौटते देखकर उनको बहुत दुख हुआ। वह राजा को कविता सुनाने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद कालिदास एक कविता की रचना करते हैं और किसी रास्ते चलते आदमी को बुलाकर कहते हैं कि यह कविता राजा विक्रमादित्य को जाकर सुनाओ और उनसे कहना कि यह कविता तुमने लिखी है, इसके बदले में वह तुम्हें बहुत पुरस्कार देंगे। किंतु वह आदमी कालिदास से कहता है कि मैं तो ना कोई कवि हूँ और ना ही कोई विद्वान, मैं ये कविता कैसे सुना सकता हूँ? इस पर कालिदास ने उससे कहा, मेरी बात मानो और यह कविता जाकर तुम राज दरबार में सुनाओ,
बदले में तुम्हें बहुत सारा धन प्राप्त होगा। वो आदमी कालिदास की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाकर कविता सुनाने लगता है। कविता में कालिदास ने लिखा था कि आपके पिता ने कभी मुझसे 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, जो अब तक आपने उस धनराशि को मुझे वापस नहीं लौटाया है। राज दरबार के सभी पंडित इस कविता को सुनकर सन्न रह गए। फिर वो आदमी उन पंडितों से पूछता है कि क्या आप सबने मेरी कविता को पहले कभी सुना है क्या? उसकी बात सुनकर राजदरबार के सभी पंडित इस असमंजस में पड़ जाते हैं। यदि हम हाँ कहेंगे तो राजा को 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इस व्यक्ति को देनी पड़ेगी, और यदि वो नहीं कहते हैं तो ये कविता नई मानी जाएगी। वो आदमी कहता है कि यदि आपके विद्वानों ने मेरी कविता पहले नहीं सुनी हो तो यह मेरी कविता नई मानी जानी चाहिए और मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य उस आदमी की चतुराई से बहुत खुश होते हैं और उसे इनाम के रूप में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। उसके बाद राजा विक्रमादित्य उस आदमी से पूछते हैं, क्या ये कविता तुमने स्वयं लिखी है? राजा की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा घबरा गया। राजा विक्रमादित्य उस व्यक्ति से कहते हैं कि डरो मत, अब ये धन तुम्हारा है, सच सच बताओ, अगर झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा। वो व्यक्ति कहता है कि महाराज, यह कविता मैंने नहीं लिखी, हमारे गांव में एक विद्वान है, यह कविता उन्होंने ही लिखी है। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि यह कविता अवश्य ही कवि कालिदास ने लिखी है। फिर वो उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम कहाँ रहते हो, मुझे उस विद्वान से मिलना है। वो व्यक्ति राजा विक्रमादित्य को कालिदास के घर पर लेकर जाता है। राजा विक्रमादित्य कालिदास से मिलकर कहते हैं, कालिदास, मैं समझ गया था कि यह कविता तुमने ही लिखी है, तुम मेरी अनुचित कही हुई बात को भूल जाओ और राज दरबार में वापस चलो। कालिदास राजा की बात मान लेते हैं और उनके साथ दरबार में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मेल मिलाप के बाद भी उनमें मतभेद बने रहते हैं। जब भी कोई ऐसी वैसी बात होती तो कालिदास कहीं रूठ कर चले जाते और बहुत मनाने के बाद ही वापस लौटते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि कालिदास दरबार में आने से इनकार कर देते हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य को ये जानने की इच्छा हुई कि कालिदास उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए अपना भेष बदलकर राजा विक्रमादित्य कालिदास के पास पहुंचते हैं। राजा कालिदास को देखकर उनको प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं धारानगर से आया हूँ। कालिदास उन्हें पधारने के लिए कहते हैं और वो उनसे राजा विक्रमादित्य के बारे में पूछते हैं। कालिदास के पूछने पर राजा बोलते हैं कि उनका हाल ही में देहांत हो गया। कालिदास राजा की मृत्यु पर बहुत भावुक होते हैं और उनके गुणगान में एक कविता सुनाते हैं। तब राजा विक्रमादित्य अपने असली रूप में आकर कहते हैं कि कालिदास, आज तुमने आखिर मेरा गुणगान अपनी कविता में कर ही दिया। कालिदास राजा विक्रमादित्य को जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। कुछ समय के पश्चात दोनों में फिर से मनमुटाव हो जाता है और कालिदास श्रीलंका चले जाते हैं। श्रीलंका के नरेश कुमार दास कालिदास का बड़ा सम्मान करते थे, फिर भी कालिदास ने उनके पास ना जाने का निश्चय किया। कालिदास सोचते हैं कि यदि राजा कुमार दास को मेरे यहाँ आने का पता चला तो वो राजा विक्रमादित्य को मेरे जहाँ होने की सूचना दे सकते हैं। अतः कालिदास किसी नर्तकी के जहाँ ठहर जाते हैं। राजा विक्रमादित्य की तरह राजा कुमार दास भी साहित्य तथा कला के बहुत प्रेमी थे।
इसलिए वो अपने नगर में यह ऐलान करवाते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इस शंद को पूरा करेगा उसे महाराज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे। किंतु कोई भी व्यक्ति उस छंद को पूरा नहीं कर पाता, तब एक नर्तकी यह बात कालिदास को बताती है। कालिदास उस नर्तकी से कहते हैं, ये छंद तो बहुत आसान है, मैं इसे पूरा कर सकता। नर्तकी कालिदास से छंद की रचना करने के लिए कहती है। नर्तकी सोचती है कि इस छंद पर महाराज मुझे अवश्य पुरस्कार देंगे, किंतु ये कालिदास ले लेगा। इसलिए वह कालिदास को पीछे से सुरा घोप देती है, जिससे कालिदास की मृत्यु हो जाती है। नर्तकी जब वह छंद राजा को सुनाती है तो वह सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु राजा कुमार दास छंद की शैली से समझ जाते हैं कि ये छंद कवि कालिदास ने लिखी है। राजा कुमार दास नर्तकी से पूछते हैं, क्या छंद सचमुच तुमने लिखी है? सच सच बताओ, अन्यथा तुम्हें कालकोठरी में बंद करवा दूंगा। ये बात सुनकर नर्तकी डर गई और वह राजा से कहने लगी कि क्षमा करें महाराज, ये छंद मैंने नहीं लिखी, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, इसलिए मैंने उस रचनाकार की हत्या कर दी जिसने ये छंद लिखी थी। राजा कुमार दास तुरंत नर्तकी के साथ उसके घर जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि कवि कालिदास का मृत शरीर जमीन पर पड़ा है। राजा कुमार दास कहते हैं कि हे भगवान, थोड़े से धन के लालच में इस दुष्ट नारी ने इस महान व्यक्ति के प्राण ले लिए। राजा कुमार दास कवि कालिदास का दाह संस्कार करवाते हैं। राजा कुमार दास उनकी मृत्यु के शौक से इस कदर डूब जाते हैं कि खुद भी उसी चिता में कूद पड़ते हैं, जिससे उनका शरीर भी जलकर राख हो जाता है। एक शिलालेख के अनुसार महाराजा विक्रमादित्य के आश्रय में कार्तिक शुक्ला एकादशी रविवार के दिन 95 वर्ष की आयु में कवि कालिदास ने अपने प्राण त्यागे थे। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के कवि और नाटककार थे। वह महाराजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उनकी रचन अभिज्ञान शांकुतलम सबसे प्रसिद्ध है। आशा करते ही कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।